दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही शानदार शेयर ढूंढ के रखा है आपके लिए और ऐसी हरकतें मैं करता रहूंगा कि टाइम टू टाइम आपके लिए कुछ शेयर्स ढूंढता रहूं ताकि आप अपनी एनालिसिस कर सकें, आपके सामने कोई ऐसा स्टॉक मिल सके जिस पे आप लॉन्ग टर्म के लिए या अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ पैसा बनाना चाहें, स्विंग ट्रेडिंग मिल जाए, ऐसे कुछ स्टॉक्स का चयन मैं करता रहता हूँ। मेरी बेस्ट स्टॉक डिलीवरी सर्विस है जो पेड सर्विस है, उसके अंदर मैं स्टॉक्स हर महीने 3 स्टॉक्स देता हूँ। आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं चाहें तो अपनी एनालिसिस कीजिए, स्टडी कीजिए, मैं स्टडी करता हूँ, आप भी स्टडी कीजिए। ये वीडियो मैं आज 3 जून को बना रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, थोड़ा उसके बाद में इसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग जो हमें यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए चाहिए होती है थोड़ा छोटा मोटा करके मैं डाल दूंगा, बट ये एनालिसिस कुछ भी एडिटेड नहीं है। वीडियो के पार्ट कुछ हमें ट्रिम करने होते हैं, कभी कभी ब्रेक्स ले लेते हैं वीडियो बनाते हुए, बस वो ट्रिमिंग होगी, उसके अलावा कोई ट्रिमिंग नहीं होगी। गाइस, इस शेयर का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट मुझे पहले आपको ये दिखाना है कि इस शेयर का जो चार्ट है वो कितना ज़बरदस्त है। मतलब मुझे ये क्यों अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, अगर इस शेयर को देखेंगे तो एक टाइम पे ये शेयर को नाम आपको जरूर बताऊंगा, बट आखिरी में प्लीज़ वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही शानदार है। उससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस शेयर के लिए, ठीक है। मुझे लग रहा है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मुझे ये शेयर पसंद आ रहा है, मैं अपनी इसमें पोजिशन बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा आने वाला टाइम बताएगा, बट मुझे लगा कि दिस इज़ अ टिकिंग टाइम बॉम्ब और हो सकता है आने वाले टाइम में दिस स्टॉक कैन रियली सरप्राइज यू, राइट। इसका अगर मैं प्राइस बिहेवियर देखूँ तो प्राइस बिहेवियर के हिसाब से मुझे ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त समझ में आता है और कमाल का स्टॉक है गाइस। ये सभी एंगल पे मुझे चार्ट अपील कर रहा है, डेली चार्ट पे मुझे अपील कर रहा है ये स्टॉक, मुझे वीकली चार्ट पे अपील कर रहा है ये स्टॉक, मुझे मंथली चार्ट पे अपील कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त अपीलिंग शेयर है, जो लोग एनालिसिस करना जानते हैं उनको समझ में आ गया होगा ये शेयर मुझे क्यों पसंद आ रहा है। बाकी लोगों के लिए कीप गेसिंग टाइप्स है ना, कि थोड़ा गेस करते रहो कि ये क्यों एनालिसिस किया, कैसा एनालिसिस किया, बट स्टॉक फाइंड आउट करके दे रहा हूँ जिसपे आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, राइट। नाम बताऊंगा, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा इंतजार रखिए, बट अगर स्टॉक को देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो स्टॉक का जो सपोर्ट है वो स्टॉक का सपोर्ट बनता 250 रुपये के आसपास का सपोर्ट बनता दिखाई दिया, जो अभी 288 रुपये 288 के आसपास चल रहा है। 250 का सपोर्ट उसने ले लिया डेली चार्ट के ऊपर में, वीकली मंथली सपोर्ट भी उसका वहां तक बन चुका है, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है और इसका नाम बदला गया है तो हो सकता है आपको ये शेयर ना मिले पुराने नाम से, तो मैं आपको नया नाम पुराना नाम दोनों बताने वाला हूँ। मैं अपने टारगेट्स जो एसेस किए हैं, जो मुझे लग रहा है ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, ठीक है। मुझे लगता है ये स्टॉक अभी 300 रुपये की दहलीज के आसपास में खड़ा हुआ, 288 के आसपास चल रहा है और यहाँ जैसे ये 300 रुपये की कैटेगरी को पार करेगा तो मेरे हिसाब से इसके जो प्राइसेस निकल के आएंगे, पहला टारगेट 350 के आसपास हो सकता है और 350 के बाद ये स्टॉक मुझे नहीं लगता कि रुकने वाला है और 400, 450 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। देखिए, क्योंकि इस स्टॉक में दम है, ये अच्छी कंपनी है, बड़ा नाम है, गिरा है क्योंकि कोविड ने बहुत सारे बिजनेस खराब किए, बहुत सारे ऑर्डर खराब किए, बट इस कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, बैकलॉग बहुत तगड़ा है जिसको ये परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर का इनका रिजल्ट लगातार खराब रिजल्ट आने के बाद से रिजल्ट में भी इम्प्रूवमेंट हुई है, ऑर्डर बुक्स की डिलीवरी स्टार्ट हो गई है, सरकारी और गैर सरकारी मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए दोनों के लिए काम करती है कंपनी, ज़बरदस्त कंपनी है। इस कंपनी के हाइज देखेंगे अगर आप तो कंपनी ने एक टाइम पे 1000 रुपये का हाई भी था, 1040 के आसपास ये कंपनी चलती थी और ये 2018 की बात है, 19 जनवरी 2018, ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है। उसके बाद कंपनी बहुत दिनों तक 670 रुपये के आसपास रुकी थी और 2019 जब पैंडमिक की शुरुआत हुई थी तब ये स्टॉक उसके बाद भी अप्रैल 2020 तक 850-800 रुपये की रेंज में चल रहा था, 825-830 की रेंज में। उसके बाद लगातार से पैंडमिक के बाद के बाजार गिरे, सबके बाजार गिरे, इनका भी गिरा, ठीक है, और एक रिकवरी भी देखने को मिली जब यहाँ स्टॉक में 370 से लेके 540 तक की रिकवरी दी थी। उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, माल को छोड़ा गया, इन्वेस्टर्स का शायद इसमें भरोसा नहीं था, ये स्टॉक वापस आया और अभी बेसिकली देखा है तो पिछले एक साल से कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है। गाइस, ये स्टॉक मुझे पर्सनली क्यों पसंद है, क्योंकि मुझे एक तो इसके पीछे जो नाम है वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है और जब इतनी बड़ी ज़बरदस्त कंपनीज किसी एक बैड फील्ड से गुजर रही होती है तो वो कंपनी अपने को रिवाइव करने के लिए कुछ भी कर डालती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज हम मैं सिर्फ एग्जांपल की आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान लीवर की बात करें या फॉर एग्जांपल ITC की बात करें। हिंदुस्तान लीवर तो चलिए FMCG की बड़ी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स तो बिक ही रही हैं, पर अगर ITC की बात करने की कोशिश करें जिसका मेजर बिजनेस सिगरेट के ऊपर था, ये सिगरेट सेलिंग का बिजनेस था उनका, वो कोविड के बाद बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ, लोगों को लगने लगा, सेकेंड वेव के बाद तो लोगों ने शायद अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो गए होंगे, उनको लगता होगा अपने फेफड़े बचाने हैं ना, लंग्स को प्रोटेक्ट करना है तो शायद स्मोकिंग कम कर देनी चाहिए, और आने वाले टाइम पे उनके सिगरेट बिजनेस के ऊपर हिट हो सकता है, गॉड नोस होगा या नहीं होगा मालूम नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग सब
शायद आप हेल्थ कॉन्शियस होने वाले हैं। तो क्या ITC जैसा बड़ा नामक जो मेजर बिजनेस सिगरेट के ऊपर करता रहा और अगर सिगरेट की डिमांड कम हो जाएगी क्या ITC बर्बाद हो जाएगी, क्या ITC बंद हो जाएगी? नहीं, वो कुछ और सेगमेंट में चेंज करने की कोशिश करेंगे, अपना लाइन ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस प्रोडक्शन को यहीं और लेके जाएंगे। तो ऐसे ही बड़ी कंपनीज जो होती हैं जो किसी एक बैड फेज से गुजर रही होती हैं वो कंपनी अपने आप को सर्वाइवल की तरफ लेके जाती हैं, हिट एंड ट्रायल करती रहती हैं, कुछ मर्जर्स होते हैं, कुछ एक्विजिशंस होते हैं, कहीं से फंड रेजिंग होती है, फॉरेन फंड आ जाता है, ठीक है। ये कंपनी जिस सेक्टर में है गाइस, इसके इस सेक्टर के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपने अगर वो वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, बिकॉज दैट इज अ कंप्लीट वीडियो ऑन पावर सेक्टर। और ये जो कंपनी है जिसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये भी पावर सेक्टर की ही एक कंपनी है, उसकी अलाइड कंपनी है और बड़ा जबरदस्त नाम है गाइस। पेशेंस रखिए थोड़ा सा और ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं करूंगा, बाकी टाइम आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा कीप गेसिंग कि ये स्टॉक मैंने क्यों पिक किया। बस मैं बता रहा हूँ ये कंपनी बहुत ही शानदार है, कंसोलिडेशन रेंज कर रही है, एक जबरदस्त सपोर्ट ले रही है, 250 का सपोर्ट ले चुकी है। एक्सट्रीम केसेस में 250 से नीचे अगर कंपनी निकल जाती है तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा, बट अगर 250 रुपये के आसपास वापस आती है कंपनी, 288 के आसपास चल रही है, एक रेंज में एक वोलेटाइल कंपनी है। अगर हम देखेंगे तो इसका जो वोलेटिलिटी है बहुत ही हाई है, 300 के आसपास जाती है, 250 के आसपास आती है, तो एक रेंज में स्टॉक चल रहा है, तो मुझे इस शेयर को यहाँ लेने में कोई तकलीफ नहीं है। 250 के आसपास आएगा तो मैं और ऐड करने की सोच सकता हूँ। गाइस प्लीज फिर से बोल रहा हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर ये स्टॉक मेरे रडार में रहे तो अच्छा है, मेरी वॉचलिस्ट में स्टॉक आज से ऐड हो चुका है, तो मुझे लगा मैं अपनी वॉचलिस्ट का ये शेयर आपसे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि रिसेंटली पावर सेक्टर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था और पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनीज को सर्च कर रहा था कि जो जबरदस्त कंपनीज हो। चलिए इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये कंपनी, इस कंपनी का नाम है गाइस GE पावर इंडिया लिमिटेड, ये पहले एल्स्टोम प्रोजेक्ट्स के नाम से जानी जाती थी, बड़ी जबरदस्त कंपनी है। और अगर देखा जाए तो इसके जो पीयर कंपैरिजन है वो इसका LNT के साथ और GMR इंफ्रा के साथ कंपैरिजन किया जाता है। GMR को तो नहीं कंपेयर करेंगे बट LNT के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक टाइम पे देखिए सभी के प्राइसेस कुछ सेम हुआ करते रहे और वहाँ पे जो रिटर्न्स की बात हुई वहाँ निकलते निकलते GE पावर सबसे नीचे रह गया और LNT सबसे ऊपर चला गया, राइट। अब यहाँ पे कंपनी ये टिकर टाइप है गाइस, Zerodha का प्लेटफॉर्म है, Zerodha में अगर अकाउंट खोलना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, खोल लीजिए, बड़ा जबरदस्त है Zerodha का प्लेटफॉर्म, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, टिकर टाइप बहुत ही जबरदस्त सीखने के लिए प्लेटफॉर्म है आपके लिए। यहाँ अगर देखने की कोशिश करें इंटेंसिक वैल्यू, करंट प्राइस इज लेस देन द इंटेंसिक वैल्यू, यस इट इज इंडीड। डिविडेंड रिटर्न्स बहुत खास अट्रैक्टिव नहीं है, रिटर्न्स वर्सेस FD रेट्स, मतलब पिछले कुछ टाइम से FD की रिटर्न इनसे ज्यादा थी तो लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया गाइस। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, ये एक फंडामेंटल सॉरी एक टेक्निकल आस्पेक्ट है जो हम RSI से देखते हैं कि RSI 70 से ऊपर चल रहा है या 30 से नीचे चल रहा है। 30 से नीचे RSI रहता है तो आपको मालूम है ओवरसोल्ड जोन कहा जाता है, और 60 से या 70 से ऊपर चलता है, कुछ लोग 60 को ओवरबॉट मानते हैं, कुछ लोग 70 को ओवरबॉट मानते हैं, कुछ लोग 80 को ओवरबॉट मानते हैं, जो आप समझते हैं आप समझ सकते हैं। जनरली 70 और 30 के रेशियोज को हम बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं। नो रेड फ्लैग, स्टॉक नॉट इन ASM GSM लिस्ट एंड नॉट अ लॉट ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग इस प्लेस, मतलब प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग प्लेज नहीं की। अगर आपको लगता हो ये स्टॉक कहाँ से कहाँ गिरता हुआ आ गया था तो प्रोमोटर ने माल प्लेज कर दिया होगा, बिल्कुल भी नहीं, कंपनी ने बिल्कुल भी प्लेज नहीं किया है और 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा पेशेंस दिखाया जाए तो दिस कंसोलिडेशन विल गिव देम रिजल्ट, क्योंकि ये जो रेंज फटने वाली है दिस विल गिव यू रेंज ब्रेकआउट। जो रेंज ब्रेकआउट की वीडियोस देख चुके होंगे, रेंज ब्रेकआउट के स्टॉक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो दिस कुड बी नेक्स्ट ट्रिगर फॉर रेंज ब्रेकआउट्स। एंड जनरल इलेक्ट्रिकल पावर GE पावर इंडिया लिमिटेड जो है, जो पहले एल्स्टोम प्रोजेक्ट्स होती थी, प्रोजेक्ट्स का काम करती है, और ये कंपनी के बारे में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जी कंपनी हिस्ट्री आप कुछ भी जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी क्या करती है, कंपनी की और प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कंपनी ने ये देखिए आप जहां भी जाएंगे इसके बारे में एनालिसिस आपको मिल सकती है। 52 वीक हाई इसका है, 549 का आपको बताया मैंने, वॉल्यूम इसमें बड़ी ही ड्राइड आउट वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं होती है, और इसकी कॉल आपको लेनी होगी। कंपनी का जो पी है 22 का है, सेक्टर का जो पी है 48 से ऊपर में, तो अंडर वैल्यू इसलिए कहा जा रहा है कि सेक्टर के पी से कम का पी इसका है, ठीक है। मार्केट कैप देखिए 2000 करोड़ की कंपनी है, और आपको क्या चाहिए कंपनी के बारे में देखने की कोशिश करें तो देख लीजिए। जनरल इलेक्ट्रिकल पावर इंडिया लिमिटेड फॉर्मली नोन एज एल्स्टोम इंडिया, यस लिमिटेड इन लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसिंग एक्सेट्रा ऑफ पावर प्लांट्स। मैंने क्या कहा, पावर प्लांट्स के इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसिंग। अब जब पावर सेक्टर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया तो मैंने आपको कहा पावर सेक्टर में बड़ा जबरदस्त खेल होने वाला है। अब पावर सेक्टर में अगर मुझे पावर सेक्टर अगर अपील कर रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है आने वाले कुछ सालों के अंदर में, अगले 2 से 3 साल का होराइजन लेके चलिए गाइस, अगर आप 300 रुपये का शेयर अगले 3 साल में 600 रुपये हो जाए
तो पैसा डबल 3 साल में कौन करता है यार। आज ये कंपनी एफडी से नीचे की रिटर्न नहीं दे रही, बट अगर चल जाती है मुझे लगता है बड़ा कमाल की रिटर्न इसकी हो सकती है। ये जितने भी इंजीनियरिंग का काम होगा, उनके प्रोक्योरमेंट का काम होगा, उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, जो पावर प्लांट्स होते हैं, तो कोई तो कंपनी चाहिए। और जनरल इलेक्ट्रिकल्स जीई पावर से बड़ा नाम क्या होगा, जो एल्स्टॉम एक टाइम पे जाना जाता था, नाम बदला गया, तो इससे बड़ा नाम क्या हो सकता है। जो कंपनी आज मेरे हिसाब से बड़े ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन से मिल रही है, अर्लियर पर्सुएंट टू स्कीम ऑफ एमलगेमेशन द नेम ऑफ द कंपनी वाज चेंज्ड फ्रॉम एल्स्टॉम। इसका नाम बदला, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये गूगल किया है मैंने, बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज पेपर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल है, इस पूरी डिटेल को हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे, पढ़िए जरूर, ठीक है। मैंने पूरा पढ़ लिया है, बट मुझे लगा मुझे आपको इस कंपनी को आपके सामने लाना चाहिए। गाइस दिस रेंज, ये बाजार, ये स्टॉक इस रेंज को ब्रेक करने के लिए मुझे लगता है तैयार हो चुका है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं हो सकती, ठीक है। और तो मेरा जो मुझे लगता है यहाँ से जब 310 315 के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा तो कमाल कर सकता है। तो गाइस इस स्टॉक को अपनी एनालिसिस में डाल लीजिए, और मुझे लगता है कि अगर आप भी स्टॉक फाइंडिंग में टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। अगर आप स्टॉक फाइंडिंग खुद कर सकते हैं, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आप पूरा टाइम बर्बाद मत कीजिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी ढूंढने के लिए। इंट्राडे में आ जाएगा, कल चला जाएगा। ऑप्शंस की ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी ढूंढने में आज आएगा, कल चला जाएगा। सेबी के रूल्स वैसे भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अपफ्रंट मार्जिन बढ़ता जा रहा है, सितंबर तक आते आते अपफ्रंट मार्जिन जो पीक मार्जिन है वो 100% हो जाएगा। मतलब जब तक आपके पास उसका पीक मार्जिन जो मिनिमम 20% के आसपास का एवरेज मान सकते हैं, वो 20% पैसा अगर आपके पास नहीं है तो वैसे भी आप इंट्राडे करने में सक्षम नहीं होंगे, आप अच्छी बड़ी पोजीशंस को नहीं बना पाएंगे, वोलेटिलिटी मार्केट की इंपैक्ट होगी। तो आज से अपनी आदतों को चेंज करो यार। जून में खड़े हम लोग, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने बचे हैं अपने आप को बदलने के लिए। मैं पिछले 1.5 साल के अंदर अपना ट्रेडिंग का स्टाइल पूरा बदल चुका हूँ। जहाँ पहले मैं पूरा हार्डकोर फोकस इंट्राडे को, ऑप्शन ट्रेडिंग को दे रहा था, वो मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया है। मेरा हार्डकोर फोकस स्विंग ट्रेडिंग को लेकर आ चुका है। पैसा बनना चाहिए दूसरे को दिखाने के लिए। अगर जब तक आप ट्रेड करेंगे आपको लगता है कि ठीक है उसने बोला करके दिखा, उसने बोला करके दिखा, पैसा नहीं बनेगा गाइस। स्टॉक फाइंडिंग में टाइम लगाओ। महीने में अगर आप एक स्टॉक भी अच्छा ढूंढ पाए ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि बैंक की एफडी के जो रिटर्न्स हैं वो तो 1 महीने में मिल जाएंगे, उससे 10 गुना 3 गुना भी मिल सकते हैं। हर 2 से 3 महीने में एक स्टॉक 10 से 15% की रिटर्न दे सकता है, अगर आप ढंग से एक अच्छे स्टॉक को फाइंड आउट करें। कैसे, अगर आप अच्छा स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हाउ टू फाइंड आउट ए स्टॉक इन लेस देन 2 मिनट्स, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है। 2 मिनट से कम कम में आप एक अच्छा स्टॉक कहाँ आपको पता लग सकता है, कैसे पता लग सकता है, उसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं और उसको उसका नाम क्या होगा, इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो प्लीज़ वेट कीजिए, बहुत ही जल्दी विद इन अ वीक मैं आपको वो वीडियो अपलोड करने वाला हूं कि 2 मिनट से कम कम में बिना किसी मैथ्स के, बिना किसी बड़ी एक्सेल बनाए हुए, बिना कुछ किए आपको एक स्टॉक मिल सकता है, ठीक है। उस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो मेरे हिसाब से आई थिंक दिस इज द फॉर द डे, और ये थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसी सरप्राइजिंग स्टॉक्स निकालने की कोशिश करूंगा। गाइस वंस अगेन दिस इज नॉट एट ऑल अ रिकमेंडेशन फॉर जी पावर लिमिटेड। मुझे लगता है जी पावर मुझे अपील किया, आपसे शेयर किया, मुझे नीचे का जो रेंज है 250 के आसपास करेगा, ऊपर का रेंज ब्रेकआउट 315-310 के आसपास करेगा। जिस भी तरफ चलने की कोशिश करें उस तरफ ट्रेड लेंगे। इक्विटी में काम कर रहे थे, शॉर्ट सेलिंग तो नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग शॉर्ट सेलिंग करके मुझे फ़ोन करते हैं, सर आपका नंबर यूट्यूब से मिला और मैंने ये फलाना स्टॉक इंट्राडे में शॉर्ट किया था 800 शेयर 1000 शेयर, वो अपर सर्किट लग गया 20% का, आप क्या करूँ। गाइस 20% का या किसी भी परसेंट का अगर सर्किट लग जाता है और आपने डिलीवरी नहीं छोड़ी, तो एक्सचेंज कहती है आपकी ऑब्लिगेशन से डिलीवरी छोड़ने के लिए, आपने क्यों नहीं छोड़ा। बायर का राइट है, बायर बाय करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, उसको स्टॉक एनएससी ढूंढ के देगी एक्सचेंज, उसको ऑक्शन से उसको बेनिफिट देगी जो बायर है, क्योंकि उसने पूरा पैसा दिया, उसका हक है बाय करने का। सेलर अपने काम से डिफॉल्ट कर रहा है, बिट्रे कर रहा है, तो उसके ऊपर एक्सचेंज पेनल्टी लगाएगी और उसको ऑक्शन के प्राइस को झेलना भी पड़ेगा। तो गाइस अगर आपके पास स्टॉक्स हैं इक्विटी में काम कर रहे हैं तो शॉर्ट तो बिल्कुल मत कीजिए, बाय करने की अपॉर्चुनिटीज को तलाश कीजिए। जो लॉन्ग टर्म पैसा बनाते हैं, जो स्टॉक्स में से 15-20-30% 40% प्रॉफिट निकालना जानते हैं, उनको रेंज में बाय करना आता है। वो हमेशा एक कंसोलिडेशन के पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं, स्टॉक के फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं। ऑफकोर्स स्टॉक अच्छा ही होना चाहिए, गिरा है तो गिरने के कुछ कारण होने चाहिए। एक वीडियो के अंदर सब चीज़ें करेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ गाइस, मेरा अपना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर 1 घंटे की वीडियो मैं बना दूँ या 2 घंटे की वीडियो बना दूँ इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करके, आप उसमें 5 मिनट देख के भर जाएंगे। आखिर में आप स्क्रॉल करेंगे कहाँ कौन सी लाइन पे इसके टारगेट बताए हैं, क्या स्टॉप लॉस बताए, आप सब यही करते हो यार। 95% क्या 100% रिटेलर जो वीडियो देखने जाता है वो यही ढूंढता है कि भाई कौन सा स्टॉक बताया है, क्या टारगेट बता रहा है। ये जब तक हम इन टारगेट्स और स्टॉक के चक्कर में पड़े रहेंगे ना, हमें लगता है कि पैसा नहीं बनने वाला। गो एंड फाइंड आउट गुड स्टॉक्स, नहीं फाइंड आउट कर सकते, उतना टाइम नहीं है, उतनी एजुकेशन नहीं है, उतना कैपेसिटी नहीं है, उसके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि 2 मिनट से कम में कैसे स्टॉक मिले, वेट फॉर दैट। और तब तक जी पावर को आप स्टडी कीजिए।
आई रियली होप और जितने लोग इसको स्टडी कर पाए, इसके टारगेट्स निकाल पाए, इसके सॉफ्टवेयर निकाल पाए, इसी वीडियो के सेक्शन में जाके, इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा नेक्स्ट टॉक कौन सा हो सकता है। जितने ज्यादा नाम आएंगे उनमें से मैं स्टडी करूंगा किस नाम किस शेयर के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, उस वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, घर में रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, घर में अपने हाथ धोते रहिए और इन्फेक्टेड लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, सहानुभूति रखिए, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाइए, पब्लिक प्लेसेस में उतना मत जाइए यार, इतना लॉकडाउन नहीं खुला है। कल मैंने देखा कि सड़क पे वापस से भीड़ हो गई थी, थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड कीजिए, जान है तो जहान है, जिंदगी बचेगी तो दोबारा मिलेंगे, और सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय, जय हिंद।